कहते हैं कि सरदार असरदार होता है। ये वो कौम है जिसने सच्चे दिल से लोगों की सेवा की है। आज के इस एसएनए में हम इसी कौम से एक नेता को लेकर आए हैं जो राजनीति में रहकर ईमानदारी से अपने काम को निभाते आए हैं। इस नेता ने पार्टी बेशक बदली हो, लेकिन नहीं बदली तो काम और पार्टी के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा। जेजेपी के ये नेता हैं और टोहाना से ये विधायक भी रह चुके हैं। इससे पहले कि टोहाना का नाम सुनकर आप किसी और नेता के नाम का अनुमान लगाएं, हम आपको बता देते हैं, सिख कौम से ये आते हैं और नाम है इनका निशान सिंह। आज के इस एसएनए में हम निशान सिंह की बदलती राजनीति और वर्तमान कामकाज के बारे में जानेंगे। वो आज किस मुकाम पर है, वो भी आज के इस एसएनए स्पेशल न्यूज एनालाइज में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, उन खबरों के बारे आपको बताता है जिनकी तह तक आप जाना चाहते हैं। इसीलिए लोग उसे प्यार से, जनता उसे प्यार से स्पेशल न्यूज एनालाइज कहती है। निशान सिंह 65 वर्ष के हैं और वर्तमान समय में वे जननायक जनता पार्टी यानी के जजपा यानी के जेजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रधान हैं। वो जिम्मेदारी प्रधानगी की निभा रहे हैं। इनके पिता का नाम सरदार चरण सिंह था। निशान सिंह को राजनीति में तकरीबन 25 साल से भी अधिक का अनुभव है। राजनीति में अपने कमाए अनुभवों से ही वो जेजेपी संगठन को, जेजेपी पार्टी को लगातार मजबूत करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और इस नेता की मेहनत का ही असर है कि जो अब ग्राउंड पर दिखने लगा है। तभी तो हमने आपको कहा था कि सरदार असरदार होता है। निशान सिंह का बेटा भी लड़ चुका है चुनाव। निशान सिंह ने तो राजनीति में दांव पेंच लड़ाए ही, साथ ही उनके बेटे ने भी राजनीति में कदम रखे थे। बाप के नक्शे कदम पर नेता भी आगे बढ़ रहा है। उनके बेटे तजिंदर सिंह तेजी ने पहली बार सरपंच का चुनाव लड़ा। साल 2022 नवंबर के महीने में जब हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव थे, या आम बोलचाल की भाषा में कहें सरपंची के चुनाव थे, क्योंकि पूनम दुबे ने सरपंची के चुनाव लिखा, लेकिन मैं इसे पंचायत निकाय के चुनाव कहूँगा, तब तेजिंदर सिंह ने भी इसी चुनाव में हाथ आजमाए थे। गांव मामूपुर से भाजपा प्रत्याशी को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है, लिहाजा तेजिंदर सिंह के हिस्से में हार आई थी। लेकिन मैं आपको फिर वापस निशान सिंह पर लेकर आता हूँ। साल 1999 में पहली बार वो विधायक बने थे। निशान सिंह पहली बार विधायक साल 1999 में बने। टोहाना से इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा था, जीत कर भी दिखाया था। तब से लेकर इनेलो के वो कद्दावर नेता रहे। पार्टी को जमीन पर मजबूती देने का काम उन्होंने किया। फिर अब आप सोचते होंगे कि वो इनेलो के नेता हैं और हम उनका परिचय जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर करा रहे हैं, तो वो भी तफसील से आपको मैं बताऊंगा, बस आपको बने रहना होगा सैन्य के साथ। इनेलो के वो जिला प्रधान रहे। सरदार निशान सिंह फतेहाबाद जिले की टोहाना सीट से विधायक रह चुके हैं और कई सालों तक वे इनेलो के जिला प्रधान भी रहे। इसके अलावा निशान सिंह ने इनेलो के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, यानी कि वो किसान नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। 2014 में इनेलो से लड़ा था आखिरी चुनाव। निशान सिंह ने इनेलो की तरफ से आखिरी चुनाव साल 2014 में लड़ा था, यानी कि मैंने जो आपको बताया था इनेलो से अब जेपी जजपा की ओर कैसे आए वो धीरे धीरे अब मैं बताने लगा हूँ। टोहाना विधानसभा सीट से वे मैदान में थे। उनके सामने प्रत्याशी थे भाजपा नेता सुभाष बराला, जो प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और चेयरमैन भी वो रहे हैं। खास बात तो ये है रही कि इस चुनाव में इनेलो को हार मिली थी, साथ ही निशान सिंह को भी अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा था। जब निशान सिंह ने इनेलो को कह दिया अलविदा, साल 2018 के आसपास निशान सिंह ने इनेलो को अलविदा कह दिया। जो नेता पार्टी के लिए कर्मठ रहा 1999 से लेकर 2014 तक, इनेलो के कई मौसम जिसने देखे, ऐसे नेता को अपने परिवार जैसी पार्टी को छोड़ना पड़ा था। तब निशान सिंह ने कहा था कि अपमान सहकर पार्टी में नहीं रह सकते,
यानी के पार्टी में उन्हें इज्जत नहीं मिल रही थी जिसके वे हकदार थे, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा। और फिर क्या हुआ, निशान सिंह का बेदाग छवि वाला रिकॉर्ड, यानी निशान सिंह बेदाग छवि के नेता रहे, वो इनेलो छोड़कर नई बनी पार्टी जेजेपी में आ गए। और फिर जेजेपी किस पायदान पर पहुंची, सरकार में हिस्सेदार बनी, वो सब आपके सामने है, किसी से छुपा नहीं है। और ना मैं उस पर जाना चाहूंगा, क्योंकि आज कैसे ने निशान सिंह पर है, तो उसी पर मैं ध्यान केंद्रित रखना चाहूंगा। बेदाग छवि के नेता मैंने बताए, क्योंकि जेजेपी नेता निशान सिंह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वे एक बेदाग छवि के सादे सरल से नेता है। राजनीति को 25 साल से भी अधिक का समय उन्होंने दिया है, इसके बाद भी किसी नेता का बेदाग रहना, यानी 25 सालों तक कोई नेता राजनीति में रहे और उन पर कोई दाग ना लगे, तो अपने आप में बड़ी बात है। वरना अगर आप किसी नेता का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, तो फिर आपको पता चलेगा कि दाग वाला रिकॉर्ड कहीं ना कहीं छोटा मोटा निकल ही आता है। अपने आप को, अपने दामन को पाक साफ रखना बड़ा मुश्किल राजनीति में होता है, लेकिन निशान सिंह ने वो कर दिखाया। कोरोना काल में दान की थी अपनी पेंशन, निशान सिंह समाज सेवा के लिए भी गाहे बगाहे काम करते दिखाई देते हैं। खासतौर पर तो कोरोना काल में उन्होंने ऐसा काम किया कि सबके दिल को छू लिया था। बता दें कि निशान सिंह ने कोरोना काल के दौरान अपनी एक महीने की पेंशन मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में दान की थी। अब दिल को छू लेने वाली बात इसलिए है कि कितने सारे नेता हैं जो खुद की प्रेरणा से ऐसा करते हैं, लेकिन निशान सिंह ने करके दिखाया, तो वो उनके लिए अच्छा साबित भी हुआ। बता दें कि उनके साथ तब जेजेपी के अन्य विधायकों ने भी पेंशन को दान किया था, और ये उन पर कोई दबाव नहीं था, ये उन्होंने खुद की इच्छा से किया था। साल 2018 में बने थे जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जैसे मैंने बताया वो इनेलो में थे, इनेलो को छोड़ दिया, इनेलो को छोड़कर वो जेजेपी में आ गए, और जब पार्टी बनी 2018 में, तभी से प्रदेश अध्यक्ष है, और आज तक यानी के अप्रैल 2023 तक वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर शोभायमान है। साल 2018 में जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था, तो वही उसी साल निशान सिंह जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। दिसंबर के महीने में निशान सिंह को जेजेपी का प्रदेश प्रधान बनाया गया था। पार्टी की कोर कमेटी ने विचार विमर्श के बाद निशान सिंह को इस ओहदे से नवाजा था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लगातार उन्होंने जेजेपी के लिए काम किया, उन्हीं की रहनुमाई में, उन्हीं की सरपरस्ती में जेजेपी सरकार में हिस्सेदार बनी। 10 विधायक जीत कर आए थे, प्रदेश अध्यक्ष कौन था, निशान सिंह। तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति ने पार्टी के लिए कितना काम किया, पार्टी को किस मुकाम पर पहुंचा दिया, ये उनकी ही शख्सियत का करम था। अब आप सरदार निशान सिंह के बारे क्या जानते हैं, कितना उनको पहचानते, कितना उनको मानते थे इस SNA से पहले, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगले किस नेता को आप सुनना चाहते हैं, किस नेता के बारे जानना चाहते हैं, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद SNA के लिए, भारत आज, यशपाल कंचन।